इल्तमासे दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलीयक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातों का अलैहि व अला आलिही फी अज़ी साते व फी कुल साथ मिन साते लैल व नहार वलीम व हाफिज़ा कायद मनासिर दलीलम वैन हता तुस्किनु व रज़क़तुहु व तुमतुहु फीहा तवीला सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वाजल फरज कहमे आले मोहम्मद मुसलसल अली को कजा कर रहे हो, मुसलसल अली को कजा कर रहे हो। इबादत गुजारो ये क्या कर रहे हो, अली के फजाइल से मुंह मोड़ते हो, बुजुर्गों की सुन्नत अदा कर रहे हो। अली के फजाइल से मुंह मोड़ते हो, बुजुर्गों की सुन्नत अदा कर रहे हो। वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। एक दफा फिर सुनो, वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। ये जा नमाज विला है, सुकून से बैठो, इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता। ये जा नमाज विला है, सुकून से बैठो, इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता। एक मिसरा सामने आ गए, जरा लुत्फ गिनाए। इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता। अगु लिखता है कि अली ने समेटा है खुद को एक नुक्ते में, वगर न तुम से अली मुख्तसर नहीं होता। मेहरबानी साहब, अली ने समेटा है खुद को एक नुक्ते में, वगर न तुम से अली मुख्तसर नहीं होता। और अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, उन्हें खबर है कि अकेला सफर नहीं होता। नजफ वाली थर गल जान दे, उन्हें खबर है कि अकेला सफर नहीं होता। जाकू तो एक दो कते में होर पढ़नी ना, जिसको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, जिसको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, उसके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं। उसके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं। और मीसम ने चढ़ के सूली पे साबित ये कर दिया, मीसम ने चढ़ के सूली पे साबित ये कर दिया, जिक्र अली के वास्ते ऊंचाई चाहिए। देखो समझ आ रहा है, थोड़ा सा साथ ले रहे हैदरी। मैं कौन को समझ नहीं आती भाई, भाई मजलिस दे तादाद तो ज्यादा जवानों की है, लेकिन जिहड़ी को दाद है वो ज्यादा पुरजोश बुजुर्ग बैठे न। तो बस एक रू भाई मैं बुजुर्गों की नज़र कर देव कि हकीकत सामने आए कहानी लौट आती है, अगर जज्बे हुसैनी हूँ रवानी लौट आती है। बताया है जमाने को हबीब इब्ने मज़ाहिर ने, अली का नाम लेते ही जवानी लौट आती है। तवज्जो जनाब, मेहरबानी सर। बताया है जमाने को हबीब इब्ने मज़ाहिर ने, अली का नाम लेते ही जवानी लौट आती है। तवत में नाल एवी अक्सा कि बतला गए मैदान में हबीब इब्ने मज़ाहिर, बतला गए मैदान में हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर का आशिक कभी बूढ़ा नहीं होता। बस मैं कसीदे ते पहुंच गया। जी बिस्मिल्लाह। कमाल,
इस मकसद में एक तो वेठा हूँ, मैं को वापस वाला बखर वजना चाहिए। मैं अपने एक दो सरेकी शहर तो एक दो रुबाइया उधारियां गिना वो सुनवा के पिछे वत कसी तो पढ़ा कि हकीकत दे रस्ते ते टूसें तो बचसे, हकीकत दे रस्ते ते टूसें तो बचसे, ये जंग हक दिए लड़से तो बचसे। और मेरी गहल मन घिन हशर दे हशर थू अली अन वली उल्ला पढ़से तो बचसे। तवज्जो करे सो जनाब, मेरी गहल मन घिन हशर दे हशर थू अली अन वली उल्ला पढ़से तो बचसे। अगुआ दे के वादा है वादा खिलाफी न देसा, अकीदा विला दे मनाफी न देसा, मलंगा थे मैं कातिल को पीऊ दा कतल बख्श देसा, अली दे मुखालिफ को माफी न देसा। मैं कातिल को पीऊ दा कतल बख्श देसा, अली दे मुखालिफ को माफी न देसा। वारिस कायनात मेरे भाइयों का इहतमाम अपनी बारगाह कबूल फरमावे, तौफीकात मालिक मजीद इजाफा फरमावे। वो घर वसन जिथा आले मुहम्मद का तज़किरा होंदा है, वो लोग वसन जड़े बादशाह का जिक्र करें। ये सारे साहिबान की सलाह होवे। कसीदा एक मैं शुरू किया मैं कुछ ने पहले गदीर के हवाले नाल, ते माशाल्लाह पढ़े लिखे बाप तशरीफ फरमाओ, मेरा दिल में त्वरे तक वो पहुँचावा। जे गल गदीर की करनी है तो वत मैं ये भी आखसा कि एक थी तपिश धूप में और दूसरी ऐलान में, दो तरह से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में। दो तरह से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में, और बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, अली के दर का हर फकीर जिंदा है, अली के दर का हर फकीर जिंदा है, और अली को छोड़ने का हशर देख ले दुनिया, सकीफा मर गया लेकिन गदीर जिंदा है। गदीर जिंदा है, गदीर जिंदा है। तो वत नाल एक गल मैं होर भी करे सा कि हाफजे कितने मजबूत हैं मुसलमानों के, हाफजे कितने मजबूत हैं मुसलमानों के, मिसवाक का करना याद रहा और खुम का भी मर भूल गए। समझ आती पई? बाबा शिया उलमा लिखा के मजमा सवा लख दा आई, तो कोई सुनी भाई आखा कि नहीं मजमा तो वो टाइम ढेर आई। कदा जिन गदीर दे मैदान चिलान होया मन कौन तो मौला फहाजा अली अलमाली। कोई कहने नाल कोई तादाद ते झगड़ा नहीं, कोई तादाद ते झेड़ा नहीं, मेरे नाल नाल रावण है। एक वखरा जिहा खाते सारी जाकरी दा जिहड़ा विच को रुपए दे विच चार आने है, क्योंकि हम उससे हट के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। तवज्जो करे सो बाबा, मैं गुजारिश की थी कि शिया उलमा लिखा मजमा सवा लख दा आई, सुनी भाई आखा मजमा ढेर आई, जिन्हें गदीर दे विच मेरे बादशाह मीर दा ऐलान होया। कोई कहने नाल तादाद ते झेड़ा झगड़ा कोई नहीं, वे कहीं ई गल ते बहस की वजे जो कहें तादाद थोड़ी क्यों लिखी, कहें ज्यादा क्यों लिखी, वो जिमें जिमें कहें कुल सबूत प्रूफ पहुंचे हर कहें अपनी किताबें उवें लिखा। लेकिन एक अहले सुन्नत भाइयों के आलम दीन अपनी किताब गदीर के हवाले नाल जुमला लिख के कमाल कर दिता। मैं वह सुनवा के वत कसीदा पढ़ना। वो आता मैं कोई शिया उलमा का नहीं पता गदीर के हवाले नाल शिया क्या पर लिख दें, लेकिन वो सुननी आदि कि जेडे नतीजे ते मैं पहुँचा, वो नतीजा यह है कि जहाँ पलाणा के मिंबर से नूहे बीरा बुलंद थे तो नूह की पेशानी के नूर दियाँ लाइटा निकलिया, नूर दियाँ लाइटा निकलिया, नूर दियाँ छुआव निकलिया। रघू आद कि जिन्हें जिन्हें वस्तियों तक लाइटा तो छुआव पहुंचिया, उन्होंने वस्तियों के लोग अपने काम छोड़ दिते, उतों भज पे रोशनी देख के आके हाजिया के मजमे न रल गए, तो तादाद मैदान में मजीद बढ़ गई, मजीद बढ़ गई, ऐलान हो गया अली मौला बन गए। पैगंबर के दुनिया तो तुर वजन के बाद एक इकट्ठ होया, कुछ लोग वखरे होए, उतों गुजर होया जनाबे बिलाल दा। जनाबे बिलाल पूछा भी नबी दे बाद इक्या इकट्ठ है, इक्या रश है,
ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਦੀਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਏ ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾ ਵੱਖਰਾ ਪੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਮੌਲਾ ਪੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣੇ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇ ਬਿਲਾਲ ਅਕਲ ਕੋ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਗਦੀਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇ ਜਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸੀਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਤ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਦੀਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਅਲੀ ਤਾਂ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੌਲਾ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣੇ ਸੋ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣੇ ਸੋ ਉਸ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਬਣੇ ਸੋ ਉਸੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੀ ਪਿਆ ਉਸ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਪਕੜਾ ਉਸ ਆ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਸੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗ ਸੇ ਅਸਾਂ ਤੈਕੂ ਦੇਸੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ ਦੀ ਮਜਲੇ ਸੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਪਕੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਛੁੜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਪਿਆ ਦਿਨ ਛੱਡ ਮੁੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਬਿਨਾ ਛੱਡ 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 ਮੁੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਬਿਨਾ ਛੱਡ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਬਿਨਾ ਛੱਡ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਬਿਨਾ ਛੱਡ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਛੱਡ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਂਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜਮਾ ਤੋਂ ਕੋ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਬਾਬਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗਦੀਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਏ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਵਸਦੇ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਵਸਦੇ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਯਾਦ ਹਜ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਹੁਮਦਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਦ ਹਜ ਵਾਪਸ ਆ ਹੁਮਦਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਨੇ ਮੌਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆਹੀ ਨਬੀ ਨੇ ਮੌਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆਹੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਪ ਕੇ ਬਾਹ ਛੱਡ ਮੁੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਵੇਂ ਆਬਾਦ ਰਹਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤਕੜੇ ਥੀ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਸੋ ਜੋ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਹਰਾ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਹਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਵੰਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਆਹਰਾ ਕਹਿ ਕੁਆ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉ ਦੇਣ ਕੋ ਸਾਰੇ ਬਾਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੋ ਬੜੇ ਆਹਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਦੀਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ
ਵਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਂਦੇ ਪੈਨ ਯਾਦ ਤਕਰ ਬਈਅਤ ਅਲੀ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹਰਿਆਂ ਬੋਲੋ ਬਈਅਤ ਅਲੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਗਿਨੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਨੀਤਾ ਨੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ। ਸਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਬਲ ਮੈਂ ਸਰ ਕਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਸਾਲਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੜੀ ਖਲੀਜ ਮੈਂ ਤੋ ਸਦਰੇ ਇਰਾਕ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲੋਂ ਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਬਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਿਜ਼ਾਇਲੋਂ ਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਬਾਸ ਰੱਖ ਦਿਆ ਔਰ ਕੱਲ ਕਾ ਯਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ ਥਾ ਯੇ ਹਾਥ ਕਾਟ ਕੇ ਕੱਲ ਕਾ ਯਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ ਥਾ ਯੇ ਹਾਥ ਕਾਟ ਕੇ ਅਬ ਇੱਕ ਖੌਫ ਉਸਕੇ ਮੁਕੱਦਰ ਕਾ ਸਾਥ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਹਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਮਈਆ ਕੀ ਨਸਲ ਸੇ ਅਬ ਤੋ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀ ਕਾ ਹਾਥ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਜਨਾਬ, ਅਬ ਤੋ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀ ਕਾ ਹਾਥ ਹੈ ਔਰ ਮੀਰ ਅਨੀਸ ਦਾ ਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾ ਜੋ ਜ਼ੂਫ਼ ਗਨ ਹੈ ਅਲਮ ਪੇ ਯਕੀਨ ਕਾ ਪੰਜਾ ਜੋ ਜ਼ੂਫ਼ ਗਨ ਹੈ ਅਲਮ ਪੇ ਯਕੀਨ ਕਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਕਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਸਰਦਾਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਬਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚਾਰ ਹੋਈ ਤਲੂ ਯਜ਼ਦਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਨ ਪਾਕ ਜਾਂਚਾਰ ਹੋਈ ਯਜ਼ਦਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਬੇਆਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਭੇਜੀਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਭੇਜੀਏ ਬੇਆਸ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਭੇਜੀਏ ਜ਼ਹਰਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਮ ਹੈ ਤਿਰਖੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਅਸਾਂ ਅਲਮ ਦੇ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੋਆ। ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕ ਚੈਨੂ ਖਾਸੀ ਦੀ ਲੋਲੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਖਾਸੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਜਮੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹੁਕ ਚੈਨੂ ਖਾਸੀ ਲੋਲੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਖਾਸੀ ਪਾਕ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦੁਖੀ ਸਦੇਂਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਆਸ ਆਵੈਂਦਾ ਏ, ਅਖੀਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅੱਬਾਸ ਆਵੈਂਦਾ ਏ, ਦੁਖੀ ਸਦੇਂਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਆਸ
बड़ी मेहरबानी साईं। बाबा ईवेले रात दे तुसा सोना इस्तकबाल कीता, एक शेर छोड़ी वेंदा है मैं बगैर तशरीह दे, जनाब को भी सुनवाइंदा पिया, मुकदी मुकाविए लम्मा न जाविए, बैसान छोड़ के मकसद ते आविए, मुकदी मुकाविए लम्मा न जाविए, बैसान छोड़ के मकसद ते आविए, बहस अब्बास दे चमन फसूल है, जन्नत अब्बास दे कदमा दी धूल है, बहस अब्बास चमन फसूल है, जन्नत अब्बास दे कदमा दी धूल है, कल थर न पोसिया कुछ कर न पोसिया, जन्नत दी लोड़े वत बन न पोसिया, हुकदार गाजीदा सरदार सलामत रहे, तेरे घर आबाद होवें, बेड़े बसते होवें। एक शेर रहा थे वो भी पढ़ दीने हैं, न्याजी वसूल करें जाओ तो तकड़े थी के मिस्री पढ़ो रस्ते ते पर हिसाब किताब करे सो। बाबा तवज्जो करे सो कसीदे दा आखिरी शेर ई मिसज बाबा मैं गल्ला करनी अंतरा है, एक गल करे सा मैं अपने सोजियां दे नाल, अगली गल मजलिस दे पानी दे नाल, बाकी जितनियां गल्ला हैं मखणा आली ओ सारी मजमे दे नाल। हुण सब तो पहले मैं अपने सोजियां दे नाल मुखातिबा 14 दसाया है, अल्फाज वखरे साडे कसीदा अंदाज वखरे, 14 दसाया अल्फाज वखरे साडे कसीदा अंदाज वखरे, जाकिर सजाया है लंगर पकाया है, माहौल मजलिस दा सोहना बनाया है, जाकिर सदा लंगर पकाया माहौल मजलिस सोहना बनाया, हलाली होण दा सबूत ने बनाए, कच्चा नहीं दे बना मजबूत ने बनाए, हलाली होण दा सबूत ने बनाए, कच्चा नहीं दे बना मजबूत ने आबाद और शाद रहो, तुहारे घर वसदे होवन, वेहड़े आबाद होवन। चूंकि मातमी संगत भी पहुंच गई, मेरे तो पहले भी पढ़न वाले पढ़ते पे हैं, उस बीबी के दुख अयाम फातमिया है ना, तो कम अज कम इतना चार ने तो चप्पे चप्पे ते फूड़िया विछिया हुई हैं। कि जड़ी बीबी वहन करके आख्या बाबा अजे तो तुम्हारी कब्र की मिट्टी का रंग ही तब्दील नहीं थे, धी झिणका वधी झलेंदी है। जी हाँ, और जड़ी बीबी आखे बाबा तुरे बाद जितने दुख तुरी धी से आए ना, अगर पहाड़ों ते आंदे तो रेजा रेजा हो वेंदे, अगर दिना ते आवे ना रात तब्दील हो वजे ना, क्यों अज ती फूड़िया विछिया हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे तुरे नाल मुकाने शरीक हैं। हिंदुस्तान दी बाबा अदालत दा एक कानून है कि अगर कहीं मस्तूर दी पेशी होवे ना, ते अगर पेशी घंटे तो ज्यादा तवील थी गई है, ये अदालत दा कानून है, जाऊँ औरत को अगर पेशी दो या उसको कुर्सी दो,
खत्म हो गई मजलिस। जिन लोगों को घर थू औलाद तू कायनात दे हर दुख तू मुहम्मद दी धी दे दर्द प्यारे न बाबा बंद पिया पढ़दा आई खड़ी है दरबार बीबी आखे मेरे पियू दा तख्त संभाल ही धई ते कानून दे बदला नहीं हक ना पिया ने मेरे पियू दा लिखी आयो दे मिंबारों दे झूठे झूठला कोई ज्यादा तमील मजलिस नहीं कुछ लोग सुनवा बिस्मिल्ला जवानी माने हक ना पिया ने मेरे पियू दा लिखी आयो दे मिंबारों दे झूठे झूठला सलामत रावे जितने सैयद बैठे माफी दे सो बीबिया दिए कत्ल हुसैन ते गए हुसैनब ते मेरे सामने मोहरा ला नहीं मेरे पुत्र कुठे मैं साहेब सा मेरी धी बालार बालार ला चलो बुजुर्ग का हिकमत हो ही पाड़ी ना अच्छा बिस्मिल्लाह सकबल पढ़दा मेरे पुत्र कुठे मैं साहेब सा मेरी धी बाजार बाजार रुला वसदारा में बाबा अगला बंद सुनना है बुजुर्ग पढ़ दिया बाद नबी दे धी नबी को ते जेड़ा हक मिले आई दरबारू कुछ मस्जिद वेच तकसीम थी आई कुछ मस्जिद पाक दे बाहरू जे आखो तो मैं तशरी कर रही ना सदके थी मां अजादारो कुछ हिस्सा हसान दे मैयत उते ते बणती रूठे न बाकी मिली आई मोल साहेब तू जड़ा सैन भी थे बाजार वसरा में वसरा में उठ जाओ भाई बस बाबा इतू मरसिया पढ़दा मदीने का एक बंदा रिवायत करें दे ये आते मैं कई बार मुहम्मद मुस्तफा की जबानी सुना हाई जै घर दे विच कोई फौत की हो वंजे आते मैं सुना आई जो कुछ नहीं हो घर दे विच आग ना बालो ये बंदा आते मैं घबरा गया इनू नबियां दा सुल्तान दुनिया थुटू रहे आते चंद नहीं गुजरे मैं कोई में महसूस होया जिवें नबी दे घर दे विच धुआं पे निकल ये बंदा आते मैं भज भी हाँ लेकिन जिवें आते मैं गली दे विच आया मजीद घबरा गया यादे आग के खाने वास्ते नहीं बल्कि ऊं दरवाजे को भाल गई हुई है जिथ नबियां दा सुल्तान खड़ के जाओ तो मंगदा हाई जे तू रोना चाहना है मैं पहला पहला वहन पिया पढ़ता बाद पियू दे नाल उठे दे घर बतूल दा चिट्टे दी गुना जले दे दर बतूल दा हाय रोने रोने बिस्मिल्लाह पुरसा कबूल हो गई बाद पियू दे नाल उठे मुकान कबूल फरमावे बाबा जी मैं चाहना कि नाल नाल रिवायत ही सुन दे आओ ते मैं तो कुमर सी ही सुनवाइंदा आवां बीबी दरबार चू खाली वाल आई रावी लिख दिन चे सैन आके अपनी मसनत ते बैठी है बाबा पढ़न वाले तो इतने ही पढ़ गए इस रंग दे विच बीबी खाली वाली
कि धीया माँ को पहचान ही नहीं सकी। मैं इन नहीं पढ़ता मजीद पढ़ते नाल गुजरा फैना। मेरी आलिया सैन माँ दे सामने बैठी इवें हाथ जोड़ के सवाल किते, अम्मा अम्मा गई तो प्यू तो मिम्बर मिम्बर दे सामने आवे, अम्मा घंटे तो चार गुजरे, अम्मा मैं कुरा साओ तुहाड़ी हालत कै बढ़ाई है, रुनी है मेरी सैन ते धी को हाल लिते बाबे दे मिम्बर अगो मैं छिड़का झल या हक में गड़ गई हमीम खाली वाला या बाबे दे रोने रोने पुरसा कबूल होई वाल बड़ी ना बाबे दे मिम्बर अगो मैं छिड़का झल या हक में गड़ गई हमीम खाली वाला या बाबा। मेरे तू पहले मेरा भाई भी रिवायत पढ़ गया है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं रिवायत तो कुवैन दे ढाल के सुनवाऊं। बीबी आलिया सवाल की थे, अम्मा अम्मा तुम्हारी हालत ही वास्ते बनी है जो फितक खस की दाने। बीबी आदि नहीं मेरी धी, इस दे इलावा ढेर सारे दर्द दिन जेड़े तेरी माँ को खा गए, अम्मा बाकी केड़े दर्द दिन। बीबी आदि मैं वेंदी है मेरा बाबा मेरी ताजी वास्ते उठ खड़ता है, आलिया तक केड़ा हाल ले वहां आज दरबार जो मैं को कई घंटे खड़ाया ने, अम्मा आज क्या होया है। बीबी आदि आज जो मैं गई हूं ते मैं इठे त्रय सौ कुर्सियां ते लोग बैठे रह गए और मैं खड़ी रही उन्हें रह गए। हाय रोने रोने जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाल पड़ी ना त्रय सौ कुर्सियां ते जवाब लो। ये बीबी दे नाल गवाह कौन गए हैं? ये तो मेरी कौम दे छोटे बच्चे ही जान दें कि बीबी दे नाल बाबा जोड़ी गवाह गई आई जब सैन बाबा दरबार दे विचु वल आई है। बीबी में चारे पास निगाह की थी। ते आलिया सैन सवाल की ते अम्मा कई कुकु लेंदे हो? बीबी रो के फरमाया आलिया मैं कुरसा मेरे गवाह किन गए, मेरा हसन किन गई है। आदि अम्मा हसन वो सामने में ठहरों। बीबी आदि जल्दी कर मेरे हसन को साड, मैं दरबार च को मंजर देखा ही हाँ, अल्लाह करे मैं मंजर कशी कर गई ना। मैं हसन की पेशानी चुम दी हाँ, बाबा को क्या मत दवेला हाई जनाबे हसन करीब आए। मेरी हुसैन सब तू पहले तो पोत्र को गल देना लाए वत कई बार जनाबे हसन की पेशानी चुमी। बीबी आलिया सवाल की थे, अम्मा अम्मा वली तो दरबार दे विचु खा लिए, अम्मा मैं पूरा साहब बार बार हसन की पेशानी की चुम दिए, रुनी है मेरी हुसैन ते जवाब रीते हसन दे जनाजे दे मैं पीर ने खाया कुछ दा कर भला दे विच शबीर ने खाई। खैर भाई खैर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माता भी करे दा सुनदा भी आ हसन दे जनाजे दे कुछ दा कर भला दे विच शबीर ने खाया। हाय बस बाबा छोड़ी मैं नमी मर आखरी मैं इतना जनाबे हसन दे नाल गल्ला हैं। बीबी सन मारे आलिया जी अम्मा मैं गुरसा मेरा हुसैन किन गी है। आदि अम्मा हुसैन उस सामने बैठा रोंदे। बीबी आदि जल्दी कर मेरे शबीर को सन, मैं दरबार च को मंजर देखाई मैं हुसैन दा गल चुंदी आ। सैयदादा को क्या मत वेला हाई जना बादशाह हुसैन करीब आए, मेरी हुसैन कई बार हुसैन दा गल चुमाए वंशन मारे आलिया जी अम्मा मेरे नेड़े आ। बाबा जना धी करी भाई मेरी हुसैन धी सर तू चादर हटाइए ते कई बार बीबी आलिया दा सर चुमाए। मेरी हुसैन सवाल की थे, अम्मा अम्मा वली तो दरबार दे विच खा लिए, अम्मा मैं गुरु साहब हुसैन दा गल तू चुम दिए, अम्मा मैं दा सर की चुम दिए, रुड़ी मेरी हुसैन ते जवाब दी ते शिमर को मैं गले दे ते बहादा ने खाया नेसे नाल पुरका ते लहदा ने शिमर को मैं गले दे ते बहादा ने खाया।
ਹਯਾਤੁਲਾ ਹੈ।